हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ रूल नंबर 3 ऑफ रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम टू टाइप्स ऑफ रूल कवर कर चुके हैं, जो था, मैं एक बार रिकैप दे देती हूँ। रूल नंबर 1 क्या था कि अगर हम एडजेक्टिव्स में ई आर लगाते हैं, और ई एस टी था, ई आर लगाएंगे तो वो होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अगर ई एस टी लगाते हैं तो वो होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ, जैसे हमारा एक वर्ड है बोल्ड, ई आर लगाने से वो क्या बन जाएगा, बोल्डर, एंड ई एस टी लगाने से बोल्ड एस्ट। ठीक है, ऐसे ही रूल नंबर 2 लिखते हैं एक बार। रूल नंबर 2 में क्या था, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई दे रखा होता है, ई हमें पहले से दे रखा है, तो सिर्फ आर लगाएंगे और एस टी लगाएंगे, क्योंकि ई पहले से दे रखा है। रूल नंबर 1 में ई पहले से नहीं था, इसलिए ई भी ऐड किया था। तो जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, क्या लें, वाइज ले लेते हैं। तो वाइज में अगर आर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाइजर। अगर एस टी ऐड करेंगे तो वाइजेस्ट। ठीक है, ये होता है आर कंपैरेटिव के लिए, और जो एस टी होता है ये होता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है हमारा, अभी पढ़ते हैं। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ शॉर्ट वोवेल, तो क्या होगा, द कॉन्सोनेंट इज डबल। तो जो वो कॉन्सोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा बिफोर एडिंग ई आर टू द कंपैरेटिव एंड अगर हम ई एस टी लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सुपरलेटिव। तो ये कह रहे हैं जब पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होगा वो हमारा एंड होता है किससे, सिंगल कॉन्सोनेंट से, और उससे पहले एक वॉवल होता है, तो जो कॉन्सोनेंट होगा वो लास्ट का वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिग, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। नेक्स्ट लेते हैं हम बिग में क्या था, पहले नॉर्मल वाला वर्ड लिख लेंगे। इसने बोला है लास्ट में कॉन्सोनेंट है, हाँ है, बिग में जी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वॉवल है, वॉवल भी है, तो इससे पहले क्या होगा, अब इसके बाद कंपैरेटिव में कॉन्सोनेंट जो होगा वो डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें
कॉन्सोनेंट डबल हो गया, अगर हम कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं तो ई आर एड हो जाएगा, ऐसे ही सुपरलेटिव में देखते हैं बिग लिख देंगे, कॉन्सोनेंट डबल हो गया, और अब हम सुपरलेटिव की बात करेंगे तो ई एस टी एड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव, जो कि हमारी सुपरलेटिव डिग्री। समझ आया कि कॉन्सोनेंट डबल हो रहा है और ई आर ई एस टी को प्रीवियस उसकी तरह ही लग रहा है, प्रीवियस रूल की तरह, रूल नंबर वन की तरह ही यूज़ हो रहा है। तो इसका कुछ वर्ड्स में टेबल लिखवा देती हूँ ताकि आपको वर्ड्स ध्यान रहे। फर्स्ट लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड लिखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो इनके कुछ वर्ड्स हैं वो लिखते हैं, जैसे कि बिग, बिग तो अभी मैं लिखवा चुकी हूँ, बिग का क्या था, कॉन्सोनेंट डबल एंड एड ई आर, इसमें बिग लिखेंगे, कॉन्सोनेंट डबल हुआ और ई एस टी बिगेस्ट बन गया है। ऐसे ही लिख देंगे हॉट, कॉन्सोनेंट डबल और ई आर, कॉन्सोनेंट डबल एंड ई एस टी, क्योंकि इससे कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल आ रहा है, ठीक है। थिन, बताओ थिन का क्या होगा, कॉन्सोनेंट डबल एंड ई आर और सुपरलेटिव हो जाएगा थिनेस्ट, फिर मतलब होता है पतला, वेट, वेट मतलब गीला, वेटर, वेटेस्ट, ठीक है, मिट्टी है। ऐसे ही लिखते हैं हम सैड, सैड का क्या बनेगा, कॉन्सोनेंट डबल ई आर, सैडर, सैडेस्ट। फैट कौन लेते हैं, फैट, फैट का क्या बनेगा, फैटर, फैटेस्ट। तो समझ आया कॉन्सोनेंट डबल हो रहा है और कंपैरेटिव है तो रूल नंबर वन की तरह क्या करेंगे, ई आर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव में ई एस टी ऐड करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर फोर। तो रूल नंबर फोर क्या कहता है, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन, किससे एंड होगा, पॉजिटिव वाई से, ठीक है, और उससे पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट बाय अ कॉन्सोनेंट, उससे पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, सो द, जो फिर वो वाई है is changed into, वो जो y है वो किस में चेंज हो जाएगा, I and er is added to the comparative एंड सुपरलेटिव के लिए क्या करते हैं हम, ई एस टी टू द सुपरलेटिव। समझ आया क्या कह रहे हैं ये, व्हेन द पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड जो होगा हमारा एडजेक्टिव वो वाई से एंड होगा और उससे पहले कॉन्सोनेंट होगा, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट,
तो वो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में या फिर ईआर में, अगर वो कंपेरेटिव डिग्री हमें बनाना है और हमें सुपरलेटिव बनाना है तो ईएसटी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे ले लेते हैं बिजी, बिजी क्या है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। बिजी का क्या बनेगा, बी यू एस, इससे पहले बिजी है वाई है एंड में, इससे पहले कॉन्सोनेंट है तो जो वाई है वो किस में चेंज हो गया, आई में, और क्या लग जाएगा ई आर, बी यू एस आई ई एस टी, ये क्या हो गया सुपरलेटिव। ठीक है, आई ई आर लग जाएगा कंपेरेटिव में, आई ई एस टी लग जाएगा हमारा सुपरलेटिव में। इसके कुछ वर्ड्स लिखवा देती हूँ मैं, जल्दी जल्दी, फिर एक लास्ट रूल बचा है वो भी कवर कर लेंगे आज हम। पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे अर्ली, अर्ली मतलब सवेरे, तो अर्ली का कंपेरेटिव कैसे बनेगा, जो वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ है, तो अर्ली लिखेंगे ई ए आर एल, वाई को आई में चेंज किया, कंपेरेटिव है तो ई आर लगाया, अर्लियर बना ई ए आर एल, वाई को आई में चेंज किया, ई एस टी लगाया, अर्लीस्ट। जैसे होता है हैप्पी, वाई से पहले कॉन्सोनेंट इसमें भी है, एच ए डबल पी एफ आई ई आर, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। लिखेंगे हेल्दी, इसका क्या बन जाएगा, हेल्दीएस्ट, सॉरी हेल्दियर बनेगा ना, ये तो कंपैरेटिव है। हेल्दीएस्ट, ईजी ले लेते हैं, ईजी का क्या बन जाएगा, ईजियर, ईजीएस्ट। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 हमने इस वीडियो में कवर किया है, वो आपको समझ आ गया होगा। रूल नंबर 3 क्या आता है, जब हमारा पॉजिटिव होगा वो एंड हो रहा होगा कॉन्सोनेंट के साथ, तो वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, कंपेरेटिव होगा तो ई आर लगेगा, सुपरलेटिव होगा तो ई एस टी लगेगा। एंड रूल नंबर 4 क्या आता है, जब हमारा पॉजिटिव वाई से एंड होगा, जैसे बिजी, तो उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो वाई की जगह उसको रिप्लेस कर देंगे आई से, एंड कंपेरेटिव होगा तो ई आर लगाएंगे, सुपरलेटिव होगा तो ई एस टी लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5 एंड कुछ इसके एक्सरसाइज देखेंगे, फिर ये चैप्टर बस कंप्लीट होने वाला है। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।